शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जा रहे हो, मुझे खड़े रहने में तकलीफ होती है। हाँ, अब जरा ऊपर दे, जरा और। हाँ, अब जरा मुस्कुरा तो। इतनी देर तक धूप में खड़े रहने के बाद भी क्या किसी को हंसी आ सकती है? ना, मैं नहीं हंस सकती। तो मत हंस, मेरा क्या, मैं ऐसी फोटो उतार लेता हूँ, तस्वीर के नीचे लिख रखूंगा रोनी सूरत। नहीं तो कर कोशिश हंसने की, भला ये किस देश की हंसी है? ये हुई ना बात, होल्ड होल्ड, रेडी। अरे अरे अरे, तेरे फूल तो तस्वीर में आते ही नहीं, पीछे हटना पड़ेगा। क्या हुआ उम्मी? उम्मी हो गई ना शुरू खांसी? होगी नहीं, मैंने तो जब ही कहा था कि ज्यादा उछल कूद मत करना, तबीयत जरा संभली नहीं कि लगी उधम मचाने, अब भी बुखार आ गया तो। मैं इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं, मैं नहीं रोक रखा था, तुम पानी लेने जाओ, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। चल उम्मी, चल मेरी बहन। मेरा जीवन तो शायद बिस्तर को लेकर लेते ही कटेगा, मुझे बीमारी कभी नहीं छोड़ेगी भैया। क्यों नहीं छोड़ेगी? जानती है आजकल टीबी की कितनी अच्छी अच्छी दवाइयां निकली हैं, तू फजूल मत सोचा था। मगर स्टेट देहात में वो सब इलाज का। तो हम क्या हमेशा इस गांव में रहा करेंगे? अरे पगली, नौकरी मिलते ही कलकत्ते जाकर एक मकान ढूंढूंगा और तुझे माकुमा ले जाऊंगा। अच्छा? हाँ, फिर किसी अच्छे से अस्पताल में तुझे भर्ती कर तेरी बीमारी का इलाज करवाऊंगा। जब तू बिल्कुल अच्छी हो जाएगी तब एक मोटे काले भैंस जैसे आदमी से तेरी शादी करके तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, और उसके बाद एक गोरी चिट्टी जरा दुबली जरा पतली एक नाजुक सी लड़की से शादी करके। एक चिल्ली जी, पहले आपको नौकरी तो मिल जाए। मिल जाए माने? जरूर मिलेगी, बस जरा पास हो जाऊं। तुम्हारा नतीजा कब निकलने वाला है भैया? कुछ ही दिनों में, मैं अपने दोस्त से कह के आया, नतीजा निकलते ही मुझे खबर कर देगा, और जब मैं पास हो जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, अभी नहीं कहूंगा, अगर फेल हो गया तो। नहीं, तुम फेल नहीं, जरूर पास हो जाओगे। सच? तेरी 100 बरस की उम्र हो, टीबी की रोगी को तुम 100 बरस का आशीर्वाद। फिर वही बात। अच्छा ठहर, मैं तुझे कविता सुनाता हूँ। नहीं, इस वक्त कविता सुनने को मन नहीं। मन नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे गाना सुनाता हूँ। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम ही हम चमकेंगे तारों के उस गांव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए।
की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आ रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आ रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में। आए रे क्यों कैसा रहा, खराब कहा तो बस। रतन बाबू आपके नाम एक तार है। अच्छा देखो दो नंबर। किसका तार है भैया? पता नहीं, इसे खोलते हुए मेरा दिल तो धड़क कर रहा है। शायद तुम्हारे पास होने की खबर आई है। अरे बाप रे, तब तो तू इसे पढ़, मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे तू चुप क्यों रह गई, बोलना क्या लिखा है? बहुत अच्छी खबर है भैया, तुम पास हो गए। जरा जोर से बोल। तुम डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए हो। सच? देखो देखो माँ, माँ, अरे शोर शोर गिरजोगे गिरजोगे, बात क्या? माँ मैं फर्स्ट डिवीजन में पास होऊंगा। अभी अभी तारा आया, देखो अब कोई चिंता नहीं। पिताजी के दफ्तर के साहब ने कहा था अगर मैं बी पास कर लूँ तो मुझे जरूर नौकरी देंगे। मैं कलकत्ते जाऊंगा और नौकरी लगते तुम्हें और उम्मी को वहाँ ले जाऊंगा। भगवान की बड़ी दया हुई है, मैं जोशी वाले में जाकर पूजा दी। चलो ये चेन बंधक रख के कुछ रुपए उधार दे लीजिए, लड़का शहर जा रहा है, बिल्कुल खाली हाथ कैसे भेजूं? सोना कुछ खरा नहीं, काफी मिलावट है इसमें। गोवर्धन जरा परख तो इसे। ले बेटा ये थोड़े से रुपए हैं, रख ले, परदेश जा रहा है तो बिल्कुल खाली हाथ जाना ठीक नहीं। अच्छा दो, मगर इतना समझ रखो कि आखिरी बारी तुमसे पैसे लिए मैंने, आइंदा मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा। हाँ बेटी तू ही तो देगा, आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो हम दोनों यही सपना देखा करते थे कि बड़ा होकर तू कोई अच्छी सी नौकरी करेगा। बस भराई आंखें। क्यों रही उम्मीद,
मेरी कविता की किताबें बिस्तर में रख दी कि नहीं? हाँ हाँ रख दी है। आखिर कितनी बार पूछोगे? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे प्राण तो जैसे उन किताबों में ही बसते। भगवान का नाम लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। और पहुँचते ही चिट्ठी लिखना। तुम्हें तो चिट्ठी लिखने की आदत ही नहीं भैया। अच्छा अच्छा पहुँचते ही लिखूंगा। मेरा ख्याल से रहना बेटा। उम्मी तू भी जरा होशियारी से रहियो। चल भाई गाड़ी बंद। आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? नमस्कार, यहाँ रहने को जगह मिल जाएगी? जनाब आए कहाँ से हैं? आज ही गांव से आया हूँ। आपका शुभ नाम? रतन कुमार चौधरी। आप काम क्या करते हैं? जी फिलहाल तो बेकार हूँ। लो किसी अब चार जने हुए। आपने कुछ कहा? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी तरह यहाँ और भी तीन महाशय हैं जो साल भर से रोज ही नौकरी मिलने की उम्मीद करते आ रहे हैं। खैर 20 रुपए पेशगी देने पड़ेंगे। जी अगर देने ही पड़ेंगे तो देता हूं। हरि हरि अरे ए हरि जी। अरे बुद्धू कहां रहता है तू? 3 बार पुकारने से पहले जवाब तक नहीं देता। तो कहा भैया जो 3 बार पुकार लिया आपने? आखिर 3 बार भगवान का सुमिरना है तो बकबक मत कर। बाबू साहब को बेकार ब्लॉक में सिंगल सीटेड रूम खोल दे। क्या बेकार ब्लॉक? अब कोई चिंता नहीं। क्या है रे? देख अखबार में क्या लिखा है। देश भर में अब कोई बेकार नहीं रहेगा। क्या गर्मा गर्म खबर है। तो इस अखबार को ताबीज बनाकर अपने गले में लटकाया। अभी तो तेरा कोई काम नहीं बनता कहीं। बस तुझे अखबार के छपे हुए लफ्जों पे भी यकीन नहीं होता। ज्यादा बकबक मत कर। जरा सी बात के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अगर सुबह सुबह मैं उठ जाऊँ तो मुझे भूख लगती है। पता मैं अब क्या कहूँ? आज मेरे पास बड़ा अच्छा नाश्ता है। क्या है? और साल मैंने ठीक है चने धक कह दिया। अभी नाश्ता जितना सस्ता है उतना ही ताकत वाला भी है। ज्यादा बकवास मत कर, मुझे सोने दे। अभी और भी ऊपर जाना? एकदम स्वर्ग में ले जाओगे? मैं क्या करूं, मैनेजर बाबू ने कहा कि इन्हें बेकार ब्लॉक में ठहरा दो, वहीं ले चल रहा हूं। अच्छा ये मुझे दे दो, तुम बूढ़े आदमी हो थक जाओगे। जी दे रहा हूं बाबू। आज तक इस बुढ़े का दर्द यहां किसी ने नहीं समझा था। इस कमरे में कौन रहता है? 3 बेकार बाबू लोग रहते हैं। करीब 1 बरस से कलकत्ते के ऑफिस छान रहे हैं पर कहीं काम ही नहीं मिलता। मेस का भी कई महीनों का बकाया हो गया इन पर। आओ ये कमरा है तुम्हारा। हमारे बेकार ब्लॉक में आज एक नया मेंबर आया है। तो चलो फिर आज की हमारी चाय वाय उसी के सर रहे। अरे अरे जरा सबर करो, अभी अभी तो आया है बेचारा। सुनो आज एक ऑफिस में नौकरी मिलने का चांस है, मैं जरा जल्दी जाना चाहता हूँ। खाना कितने बजे तक मिल जाएगा? खाना 9 बजे तक बिल्कुल तैयार हो जाता है। यहाँ बहुत से ऑफिस के बाबू लोग रहते हैं। मेरा कोई एक मालिक थोड़ा है, जाऊं देखूं कौन क्या चाहता है। ओ अरे आ रहा हूं। हाँ
नमस्ते। नमस्ते। आप? मैं शंकर हूँ, इस कमरे में रहता हूँ। आपका शुभ नाम? रतन कुमार चौधरी। आप जरा देर पहले ही तो आए हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, अंदर आइए। नहीं भाई, मैं जरा जल्दी में हूँ, एक जगह नौकरी मिलने की उम्मीद है, वहीं जा रहा हूँ। तब तो नहीं रोकूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओ, तो तुम हमारे राम प्रसाद जी के बेटे हो? तुम्हारे पिता बड़े सज्जन पुरुष थे। अच्छा, जो भगवान की मर्जी। तुम तो काफी बड़े हो गए हो, बीए कब किया? जी इसी बरस, और आपके आशीर्वाद से डिस्टिंक्शन लेकर पास हुआ। अच्छा, गुड गुड, ठीक मौके पर आए हो। सुनो, हमारे जनरल सेक्शन में एक और आदमी रखा जाएगा, तुम ऐसा करो, वो देखो काउंटर के पीछे हमारे हेड क्लर्क बैठे हैं, और तू जरा उनसे मुलाकात करो। जी बहुत अच्छा, कल भिजवा दिया जाएगा भाई। नमस्ते। अच्छा, ऑल राइट। मेरा नाम रतन कुमार है, मैं राम प्रसाद जी का पुत्र हूँ, पिताजी यहीं काम करते थे। ओ, तो क्या चाहिए? पिताजी की मृत्यु से पहले यहाँ के मैनेजर साहब ने वादा किया था, अगर मैं बीए पास कर लूँ तो मुझे जरूर नौकरी देंगे। मैंने इसी बरस डिस्टिंक्शन लेकर बीए पास किया है, और मैनेजर साहब से मिलना चाहता हूँ। इस वक्त कोई जगह खाली नहीं। लेकिन अभी अभी तो किसी ने बताया कि कोई जगह के कहने से क्या होता है, जब मैं कह रहा हूँ कोई जगह खाली नहीं। तो भी अगर एक बार मैनेजर साहब से मुलाकात, कोई फायदा नहीं होगा, बिगड़ जाएंगे। बेहतर यही है अगर कोई अर्जी वर्जी लाए हो तो दे जाओ, आइंदा कोई जगह खाली हुई तो मैं जरूर तुम्हारी सिफारिश करता हूँ। जी रहे, हाथ ही से लिख रहा है, तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है, अर्जी टाइप करके देनी चाहिए। खैर, मैं इसे रखे लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें खबर भिजवा दूंगा। नमस्ते। एंड फर्दर वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू। सुनो बेटा, क्या कहा बड़े बाबू ने? वो तो कहते हैं यहाँ कोई जगह खाली नहीं। ये क्या, क्यों सुना? तुमने तो कल कहा था कि जनरल सेक्शन में एक आदमी और रखा जाएगा। हाँ, पर बड़े बाबू अपने ताले पे भी कोशिश कर रहे हैं। मगर वो तो ग्रेजुएट नहीं है। तो क्या, ग्रेजुएट से भी बड़ी क्वालिफिकेशन है बड़े बाबू का साला। बैड लक। कोई बात नहीं, मैं किसी और जगह कोशिश कर लूंगा। अच्छा नमस्ते, फिर मिलते रहना। नौकरी मिली? नहीं मिली। क्यों? मिल तो जरूर जाती, पर बीच में बड़े बाबू का एक साला टपका। हाँ जी, आजकल बस यही होता है, कहीं बड़े बाबू का साला उम्मीदवार होता है, कहीं छोटे बाबू का जमाए। पूरे एक साल से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता। आप निराश क्यों होते हैं? कोशिश करने से कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। मैं तो हार चुका हूँ, आप जोर लगा देखिए, अगर आपकी किस्मत साथ दे जाए। आपकी बहन का नाम वेटिंग लिस्ट में दर्ज कर लिया है, अंदाजन कितने दिनों तक बेड खाली हो जाएगा? ये कैसे कहा जा सकता है, आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, बेड खाली होते ही आपको खबर भेज दी जाएगी। क्यों जी रतन बाबू, मैं पूछता हूँ कि जब तुम खुद ही दो तीन अखबार रोज खरीद लाते हो तो मेरे अखबार के पीछे क्यों पड़े हाथ धोके? ये लीजिए। अरे ये लाल नीले निशान लगाकर इसकी हालत क्या कर दी? जी नौकरी की तलाश में हूं ना,
इसलिए जहां भी अखबार में जरूरत है का इश्तार देखता हूँ, अर्जी भेज देता हूँ। कौन जाने कहाँ काम बन जाए। हाँ, कोशिश किए जाओ भाई, कभी ना कभी तीर निशाने पर लग ही जाएगा। हाँ, अगर कहीं तुम एक दो महीने पहले आ जाते तो मैं अपनी मिली में तुम्हें नौकरी दिला देता। अच्छा। हाँ, उस वक्त एक जगह खाली हुई थी तो मैंने अपने दोस्त के भाई को दिला दी, और समझ लो कि बड़े साहब तो मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। अब अगर कोई जगह खाली हो तो। हाँ जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। बेशक। हरी, ओ हरी, आया। कहा, कितने बज गया पता है ना, चाय नहीं देगा। ऐसे बिलायती टेम से चाय वाय चाहिए तो हर घड़ी का नहीं खरीद देते मुझे। मेरे पास पैसे नहीं इसलिए तू मजाक करता है। अच्छा ठहर, नौकरी लगती तुझे 10 रुपए बख्शीश दूंगा। पैसा नहीं है तो बाबूगिरी करे बदे टकटक मशीन का एक खरीद लिया। खरीदी कहा रे, 15 रुपए जमा करा के 10 रुपए महीने की किस्तों पर लाया। मजबूरन लानी पड़ी क्योंकि मेरे हाथ की लिखावट अच्छी नहीं। इसके अलावा आजकल हाथ की लिखी दरखास्त से नौकरी मिलना तो कहीं दूर की बात, कोई पढ़ के देखता तक नहीं। नौकरी लगते इसके सारे पैसे छुपा दूंगा। इतनी दरखास्तें भेजी था, एक भी नौकरी नहीं मिलेगी, पर रेलवे वाली नौकरी तो जरूर मिल जाएगी। जा तो मेरे लिए कब चाय लिया और जरा लेटर बॉक्स देखता, शायद मेरे को चिट्ठी आई। और सुन, लेटर बॉक्स जरा अच्छी तरह से देखते हो, समझा? जी समझा, लेटर बॉक्स ठीक से देखना होगा। राधा, कौन है? उधर नहीं, इधर, इधर ऊपर एक हाफ सिगरेट है आपके पास। हाफ सिगरेट? मैं सिगरेट नहीं पीता है? ये लो चाय। अरे एक हाथ कितने चक्की कपड़ फोड़ डाला, ये फजूल ने पैसा के नुकसान दे। अरे कुछ परवाह नहीं, इनमें से एक चिट्ठी ऐसी भी हो सकती है जिसका दाम 500 कपड़ से ज्यादा हो। अरे पर भाई, तो मैनेजर अपना गला पकड़ाएंगे। दी दी ग्रेट टाइम फॉर्म धनी, जल्दी कौन काम की। अफसोस, तो गरम गरम चाय, हाथ जल जाए, पांव जल जाए। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साल बाद मैं साल भर तक बैठा रहूंगा। चलो कोई बात नहीं, आज के अखबार में तो अच्छी नौकरी का इश्तहार है, अर्जियां भेज देता हूँ, एक तो जरूर मिल जाएगी। भगवान करे मिल जाए बाबू। मिलेगी क्यों नहीं है, मैंने बीए पास किया, कोई घास नहीं काटी। जा तू एक कपड़ चाह लिया, और सुन, जरा खिड़की खोलता जा। अरे फिर क्यों बंद कर दी? सामने वाले घर में बांस जैसी लंबी लड़की है ना, आज भी खिड़की के सामने खड़ी होकर पढ़ा रही। उसका पढ़ना लिखना जो कुछ होता है सब खिड़की के सामने। तुझे पंचायत करने को किसने कहा? चल खोल दे खिड़की, मुझे गर्मी लग रही है। खोल तो देता हूँ मगर इधर ज्यादा ताक झांक नहीं करना। नहीं नहीं, ज्यादा ताक झांक तो तेरी मूछों वाली सूरत पर ही करूंगा। तुम्हें भी शहर की हवा लग गई, तू बकबक मत किया कर, समझा? जी समझा, बकबक नहीं किया कर। एक छोटी सी नौकरी का तलब गार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलब गार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगू तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलब गार हूँ मैं। एक 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, कर लो मंजूर की बेकारी से बेजार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगू तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। मैं कलेक्टर न बनूं और न बनूंगा अफसर, मैं कलेक्टर न बनूं और न बनूंगा अफसर, अपना बाबू ही बना लो मुझे, बेकार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। मैंने कुछ घास नहीं काटी किया बीए पास, मैंने कुछ घास नहीं काटी किया बीए पास,
ओ समझदार समझ लो कि समझदार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगू तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। खेल सब खेल है फुटबॉल में कप्तान भी था, खेल सब खेल है फुटबॉल में कप्तान भी था, फिर से मैदान में आने को भी तैयार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। प्यारी माँ छोटी बहन जिंदगी है रोग जिन्हें, प्यारी माँ छोटी बहन जिंदगी है रोग जिन्हें, लोक पर लोक मेरे सर पे है मझधार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। फड़क रही है दाई आंख ये अच्छा है सगुन, फड़क रही है दाई आंख ये अच्छा है सगुन, हाँ जो हो जाए तो इस पार से उस पार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगू तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। हे महासुंदरी, हे महासुकुमारी, आह महाजादूगरनी, मैं तुम पर जाऊं बलिहारी, मैं तुम बिन अधूरा, जैसे नमक बिन दाल, दाल बिन भात। ओ हरी, नीचे के कमरे में कौन रहता है? रे ललित बाबू, उन्हें भी तुम्हारी जैसा रोग है। क्या मतलब? तुम ढेर ढेर से दरखास्त लिखते हो, वो ढेर ढेर से कवित्व लिखते हैं। कवि है, कवि कवि नहीं, कपी माने बंदर, समझा? जी समझा, कपी माने बंदर। जरा अपना पेन दीजिए तो, मैं आप ही से कह रहा हूं, अपना कलम दीजिए ना, मेरे टाइपराइटर से टी ठीक नहीं छपता, आई हो जाता है, सेकंड हैंड है ना। देखता हूं आपका पेन भी मेरे टाइपराइटर जैसा ही है। लाइए वापस दे दीजिए। जरा ठहरिए, देखिए मेरी बस भी मिस हो गई, दूसरी आ जाएगी। आपकी जान पहचान शायद बहुत ज्यादा है, देखती हूँ काफी चिट्ठियां लिखी। जी ये चिट्ठियां नहीं, नौकरी के लिए दरखास्त है। फिलहाल मैं बेकार हूँ ना, इसलिए रोज सवेरे उठकर जहाँ भी अखबारों में जरूरत है का इश्तार देखता हूँ, अर्जियां भेज देता हूँ, फिर दोपहर को ऑफिसों के चक्कर काटता हूँ, कहीं ना कहीं तो काम बन ही जाएगा। क्यों, मैंने बीए पास किया है, कोई घास नहीं काटी। वो मेरी बस आ गई, कलम दी। सुनिए, मेरा नाम रतन है और आपका? सीमा। देखो भाई, मैं जरा मैनेजर साहब से मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या काम है? यही किसी नौकरी वोकरी के सिलसिले में, शायद कोई जगह खाली। ना ना ना, यहाँ कोई जगह खाली नहीं, देखा नहीं बाहर नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है? तो भी अगर किसी तरह मुलाकात कर दिया ना, साहब से मुलाकात नहीं हो सकती। बाप रे बाप, तो मैनेजर का ही बाप निकला। ऐसा नहीं तो सर, मैंने इसी बार डिस्टिंक्शन लेकर बीए पास किया है, उम्र 21 बरस, चाल चलन उमदा, गेम्स और स्पोर्ट्स में एक नंबर हूँ, ये रहे मेरे सर्टिफिकेट, मुझे एक नौकरी चाहिए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया?
देखा नहीं बाहर नो वैकेंसी लिखा है? जी देखा तो है, मगर सुना है बाहर नो वैकेंसी की पट्टी टंगी रहने पर भी अंदर कोई ना कोई जगह खाली होती है। सर एक नौकरी। तुम्हारा फजूल बातें सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है, बाहर निकल जाओ। गेट आउट, यू यू गेट आउट। आप बेइज्जती क्यों करते हैं साहब? नौकरी मांगना कोई भी मांगना नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कहां मर गया था तुम? सॉरी। मन में से मरा के अखियां मिला के दर्द। अरे इससे तो जरा कोई भजन संगीत गाने से और नहीं तो घड़ी दो घड़ी भगवान का नाम ही हो जाता है। और फिर मैं पूछता हूँ, घर में इतनी जगह होते हुए भी उस खिड़की के पास जाकर गाने का क्या मतलब है? है सामने वाले मकान में दुनिया भर के आवारा छोकरे रहते हैं, उन्हें क्यों बढ़ावा दिया जाए? जी जी जी, क्या बोलते चले जा रहे हो तुम तो, सब पर शक करने लगे। आजकल भरोसा करने का जमाना ही नहीं, मैं क्लर्कों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए तो साहब ने मुझे हेड क्लर्क बना दिया है। वरना शेखर बाबू मुझसे कहीं सीनियर है, वो क्यों नहीं बन गए हेड क्लर्क? हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बात अच्छी नहीं, तुम अभी सीमा को बुलाकर ताकीद कर देना। अच्छा अच्छा तुम जाओ, मैं अभी कह देती। सीमा, ओ सीमा आई। हरी, बंदर ने मेरी नींद धोती जला दी। हरी, ओ हरी, एक एक गर्म पानी दिया। गर्म पानी? गर्म पानी क्या करूं, बंदर के सर पे डालूंगा। गर्म पानी से तो मर जाएगा। मर जाएगा तो ठंडा ही करूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? देखिए उसकी हरकत, इस सर त्रास ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। जा और पानी फैला। अरे कवि जी, ये क्या भीग कैसे गए? बाहर क्या बारिश हो रही है?
इडियट, मेरे साथ ही मजा, तुमने क्यों मेरे ऊपर पानी फेंका? तुम नहीं, आप कहकर बात कीजिए। आपने क्यों पानी फेंका? ठीक ही किया। आपने मेरी धोती क्यों जलाई? ठीक ही किया। ठीक ही किया? हाँ ठीक ही किया। ठीक ही किया? हाँ ठीक ही किया। ठीक ही किया? ठीक ही किया। अरे अरे अरे, चोट तो नहीं लगी? ब्रूट, अरे ऊपर तो रहता है ना। जी हाँ रतन बाबू। बाबू नहीं, गुंडा, उसे मैं ठीक से सबक सिखाऊंगा, समझा? जी समझा, आप उन्हें सबक सिखाएंगे। अरे बंसी बाबू, आप यहाँ? अजी साहब, आपके बोर्डिंग के रतन बाबू हमारे यहाँ से किस्तों पर एक टाइपराइटर ले आए थे, पर एक किस्त नहीं चुकाई है भले मानस ने अभी तक। पहले भी आकर दो बार चक्कर लगा चुका हूँ, देखता हूँ आज मिल जाए तो। हाँ वो फ्री है। बाबू तो तुम्हारे टिप टिप मशीन वाले आ रहे हैं, उनसे जाकर कह दे मैं अंदर नहीं, बाहर गया हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, हमने सुन लिया है आप बाहर गए हुए हैं। अरे बंसी बाबू आप आइए, आइए बैठिए। बैठने के लिए नहीं आए साहब, आप किस्तों के पैसे दीजिए। बस आते ही पैसों की बात। अच्छा बंसी बाबू, दुनिया में का पैसा ही सब कुछ है, इतनी दूर से तकलीफ उठा कर आए हैं, जरा बैठिए आराम कीजिए। अरे एक कप चाय ले। आप तो दो जने, अच्छा दो ही कप ले। इतनी खातिर करने की जरूरत नहीं है, हम चाय पिया है बस, आप किस्त के पैसे दे दीजिए तो चले जाए, पहले भी दो बार आकर चक्कर लगा चुके। आप इतने परेशान क्यों होते हैं, मैं क्या आपके पैसे मार लूंगा? ना ना, आप कुछ दिन और सब्र कीजिए, मैंने बहुत सी जगह दरखास्तें भेजी, कहीं नौकरी लगती है आपके सब रुपए चुका दूंगा। भाई वाह, आपकी नौकरी लगने के भरोसे हम बैठे रहे, और वो भी आजकल के जमाने में। क्यों, मैंने ऐसी बीए पास नहीं किया कि जमाने से डर जाऊं। आप बेफिक्र रहिए, मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा आप शरीफ आदमी हैं लिहाजा मान लेते हैं, लेकिन जनाब आज 20 तारीख है और अगले महीने की 10 तारीख तक हमें दोनों किस्तें मिलनी चाहिए, वरना मजबूरन हमें ये टाइपराइटर ले जाना पड़ेगा। अगले महीने की 10 तारीख यानी पूरे 20 दिन? अजी साहब ये तो काफी लंबी मोहलत है, इतने दिनों में तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा धन्यवाद। चलो भाई। ओह आफत टली, लेकिन कब तक? जब तक भी टली रहे। पता नहीं इतनी मुसीबतों में भी आप कैसे हंसते रहते हैं, मुझसे तो नहीं होता। हंसने की कोशिश करूं तो बूढ़े बाप, बीमार माँ और छोटे छोटे भाई बहनों का मुंह आंखों के सामने आ जाता है। जानते हैं रतन बाबू, मेरे गरीब बाप ने इसी आस पर कर्ज ले लेकर मेरा कॉलेज का खर्च जुटाया था कि मैं कोई अच्छे से नौकरी करके उन सबका पेट पाल सकूंगा, लेकिन एक बरस की भरपूर मेहनत से भी कुछ नहीं करता। आप मुझे ये सब बता रहे हैं शंकर बाबू? जानते हैं हमारे घर की हालत, मेरी इकलौती बहन टीबी की मरीज है, पैसों की तंगी के कारण ठीक तरह इलाज भी नहीं हो सकता। बूढ़ी विधवा माँ हर चिट्ठी में यही पूछती है कि कहीं नौकरी मिली, फिर भी मैं हंसता ही रहता हूँ, पर आप सबको भी हंसाता हूँ। मैं तो क्या करूँ, रोने बैठूँ तो रो रो कर एक दिन मरी जाऊंगा। बाबू जी है? अरे बाप रे, फिर कोई लेन दार आ सबका। ओह ये रही शंकर बाबू, लीजिए आपके नाम की बैरंग चिट्ठी है। ओह तुम हो? अरे आओ भाई, तुम ही तो आजकल हमारी आस उम्मीद के सहारे हो। क्यों भाई इतनी चिट्ठियां जो लाते हो, तो क्या एक अच्छा सा लिफाफा नहीं ला सकते? बढ़िया सा, जिसमें नौकरी के लिए बुलावा आता है। अरे भाई इंटरव्यू लेटर मिलते ही ले आऊंगा। हाँ तो शंकर बाबू पैसे? नहीं मुझे इस चिट्ठी की जरूरत नहीं। आप तो अक्सर ही बैरंग चिट्ठी वापस कर देते हैं। पैसे नहीं थे क्या? वो छुड़ाने के लिए नहीं थी, घर वालों के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं, उनकी हालत ऐसी नहीं कि पैसे खर्च करके सिर्फ राजी खुशी का हाल भेजा करे, इसलिए आते समय छोटे भाई को समझाया था कभी कभी बैरंग चिट्ठी लिख दिया करे। बस मैं समझ जाया करूंगा कि घर में सब ठीक ठाक है। वेलकम हरी। ओ हरी, आह मैं तेल इस्तेमाल करके रोज इस शीशी पर निशान लगाकर रखता हूँ, और आज देखता हूँ तेल कम है। और ये तेल किसने दिया? मैं क्या पुलिस हूँ कि आपके तेल का पहरा देता रहूँ? चोरी जाता है तो बक्से में बंद करके रखिए। मैं ऐसे ही छोड़ देने वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ मैं इसमें सब का सब सूंघ सूंघ कर देखूंगा। मेरा चमेली का तेल है। हरी, ओ हरी कहाँ चिल्ला रहे हो, तुमने भी कुछ खोया है? कहा मैंने खोया नहीं है, कुछ पाया है। कहा पाया? इंटरव्यू लेटर। कुछ नौकरी उकरी मिली है? करीब करीब वही, नौकरी के लिए मिलने का बुलावा आया है। हरी कैन यू सिंग?
क्या न्यू डांस? कहाँ अंग्रेजी में गिटी पिटी कुछ गाड़ी वाड़ी तो नहीं दे रहे हो? अरे नहीं रे, मैं पूछ रहा हूँ तुझे गाना आता है, नाच सकता है? अरे मैं बुढ़ापे में कहाँ नाचूंगा, जब जवानी रही तो कुछ गाना वाना। तो फिर एक गाना गा। चल हाँ, एक गाना, बस एक गाना, ऊपर एक बाबू बस। मुझे शर्म लग रहा है। अरे शर्म क्या है? अच्छा चल मैं तेरे साथ बजाता हूँ। अरे ससुरंग बोले लाल मुनिया हो रामा। क्या सुर में गाया है? ससुरंग बोले लाल मुनिया, बोले लाल मुनिया, तीरी तीरे लगावे पर चोरिया, तीरी तीरे लगावे पर चोरिया। अरे कथाई रंग वो प्याज के रुपया, प्याज के रुपया, इसमें हमारा मजाक नहीं। अरे कथाई रंग वो प्याज के रुपया, तीर हमारी ननद मारे बोलिया, तीर हमारी ननद मारे बोलिया, तीर। फिर पुकार हुई, तुम गाने को कह रहे हो, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है मरने की। हाँ। कहिए मैनेजर बाबू, आप तो बार बार दरखास्तें भेजने के कारण मेरा मजाक उड़ाया करते थे ना। ये देखिए जवाब आया है, बैंक की नौकरी है, 200 रुपए महीना, कल इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। लाइए 10 का नोट। वाह, मैं क्यों रुपए लूं? क्यों नहीं दीजिएगा? इस फटे जूते को पहनकर जाने से मुझे 200 रुपए की नौकरी दे देंगे, और अगर मुझे नौकरी मिल गई तो आपको मुझसे कम नफा नहीं होगा। आपका जितना बकाया मेरी तरफ है सब चुका दूंगा। लाइए जल्दी कीजिए। अच्छा देख क्या रहे, इसी आस पर तो आप मुझे उधार खिलाते रहे कि कहीं मुझे नौकरी मिले और आपके भी 100 रुपए मिल जाए। जैसा छोड़िए, निकालिए 10 का नोट। अच्छा भाई तो ये लो। हाँ ये हुई ना बात, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके 100 रुपए चुका दूंगा। अब तुम्हारे धर्म ईमान पर है भाई। शायद रतन की चिट्ठी आई है, जरा पढ़ दो बेटी, चश्मे के बिना मैं ठीक से पढ़ नहीं सकती। माँ तुम्हारी चिट्ठी से उमा बहन का हाल जानकर बहुत चिंता हो रही है, लेकिन अब और परवाह मत करो। इतने दिनों बाद एक जगह से मुलाकात करने का बुलावा आया है, 200 रुपए महीने तनख्वाह है, अच्छी नौकरी है, शायद मिल जाएगी। भगवान करे मिल जाए। नौकरी मिलते ही तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। उम्मी का नाम एक अच्छे हॉस्पिटल में लिखवा दिया है, उसे कहना कि अब चिंता न किया करो। चादर क्यों उड़ रही है, बुखार आ गया क्या? ओह शरीर बहुत तप रहा है, आज तो सुबह से ही बुखार का जोर हो गया। अच्छा मैं वैद्य के पास जाती हूँ। क्यों बेकार अपमान भरी बातें सुनने जा रही हूँ? देखते ही वैसा ही दवाओं के पैसे मांगने लगेगा। भैया ने तो लिखा ही है कि नौकरी मिलने वाली है, बस मैं वहां जाते ही ठीक हो जाऊंगी, जरूर ठीक हो जाऊंगी माँ। आपके सुरों की जानकारी तो गजब की, प्रैक्टिस करते जाइए, आपका काम जरूर होगा। आप किधर जा रही है? आप कौन? मैंने नहीं पहचाना आपको। मुझे नहीं पहचाना? किस तरह की निष्ठुर बात मत कहिए देवी, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। कितनी बार सुंदर सुहावनी संध्याओं में आपको खिड़की के पास खड़ी देखकर कविताएं रची हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप, जाने दीजिए मुझे। फजूल बातें? ये तो सब निर्मल प्रेम की बातें हैं देवी। हे महासुंदरी, हे महासुकुमारी, रास्ता देख के नहीं चल सकते? खबरदार मुंह संभाल के बात करो, अगर गाली गलौज करोगे तो अच्छा न होगा। चलिए देवी, आपके सामने इसने मेरा अपमान किया और आप चुपचाप चली जा रही हैं। आप तो बिल्कुल पत्थर की प्रतिमा है, पत्थर की। उस रोज आपसे ठीक तरह बातचीत नहीं, कहिए तो किस तरफ जा रही हैं आप? चोरंगी की तरफ। ओ तो चलिए मैं पहुंचा दूं। शुक्रिया, मुझे पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। तो आप ही मुझे पहुंचा दीजिए, मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ। देखिए बस आगे चलिए।
आप बिल्कुल चुपचाप क्यों बैठी हैं? कुछ बातचीत कीजिए ना। क्यों? वाह, बातें करने से लोग शक करेंगे, सोचेंगे आपसे मेरी जान पहचानी नहीं है। मैं खामखा आपके पास लेडी सीट पर बैठ गया हूँ। तो क्या बात करूँ? जो भी मुंह में आए कहिए। जैसे कहिए कि कल चिड़ियाखाने के पिंजरे से एक रॉयल बंगाल टाइगर बाहर निकल गया। सच हो या झूठ आप कुछ कहिए ना। अरे हाँ, आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। आज मुझे एक इंटरव्यू लेटर मिला है, अच्छी नौकरी। नौकरी लगते ही आपके पिताजी से भी मिलूंगा। क्यों? भला पिताजी से क्यों मिलिएगा? नहीं, मेरा मतलब आप समझी नहीं। अरे मुझे तो यूं उतरना है। अच्छा, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ए, रोको 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 रोको। ये बाबू, विजय साहब ने आपको बुलाया। नए हैं, न्यू शूज। नमस्ते। नमस्ते सर। एक बात तो एप्लीकेशन में लिखना ही भूल गया कि कुछ दिनों तक मैं कॉलेज यूनियन का खजांची भी रहूं, इसलिए बैंक का काम बड़ी अच्छी तरह देखभाल सकूंगा। देखिए देखिए, हम लोग मुफस्सल में एक ब्रांच खोल रहे थे, इसीलिए जरूरत है का इश्तहार भी दिया था, लेकिन अचानक बॉम्बे से टेलीग्राम आया है कि अब ब्रांच नहीं खुलेगी। ये देखिए टेलीग्राम। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत दुख है। आई एम वेरी सॉरी। इसके लिए आप बार बार दुख क्यों करते हैं? दरअसल दुख तो मुझे होना चाहिए, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपकी एप्लीकेशन हमारे पास है, जब भी कोई काम निकलेगा तो सबसे पहला चांस आप ही को दूंगा। शुक्रिया। आपको खुशखबरी दी थी ना कि मुझे नौकरी मिलने वाली है। हाँ हाँ। है, नहीं मिली। आप तो नौकरी मिलने की बात पर भी हंसते हैं और नहीं मिलने की बात पर भी हंसते हैं। तो क्या करूँ, ये तुम्हारे जिंदा रहने का सहारा है। खैर, ये नौकरी न सही, और भी बहुत सी दरखास्तें दे रखी, कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी। क्यों? जरूर मिलेगी, आपने तो बीए पास किया है, कोई घास नहीं काटी है। छोड़िए इन बातों, आज मैं आपको अपने बगबग में नहीं बताऊंगा। घर जाइए, शायद आपकी मां नाश्ता लेकर आपका इंतजार कर रही है। और आप? मैं? मेरा यहाँ भला कौन बैठा? मैं तो पार्क में बैठे बिन पैसे कौड़ी के ये साफ शुद्ध हवा खाऊं। सीमा, क्या मैं तू पार्क में किससे बातें कर रही थी? कौन है वो लड़का? वो तो मेरे कॉलेज का एक वाकिफ है ना। क्या कह रही है तू? लड़के भी तेरे वाकिफ होने लगे? अपने बाप को जानती है ना, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ, अगर तुम्हें इतना ही डर है तो मुझे कॉलेज क्यों भेजती हो? बस अलमारी में ताला लगा कर बंद कर रखो। आजकल की लड़कियों से तो बात भी मुश्किल है। सब शिव शंकर की माया है, मैं मथुरा जी से आया है, ये माल मसाले लाया है, बढ़िया खा ले करारी गजक। ये रसगुल्ले के टक्कर की, ये लेम जूस के टक्कर की, ये तिल की और ये शक्कर की, बढ़िया खा ले करारी गजक। रतन बाबू, रतन बाबू आइए आइए। क्यों, कैसी रही?
नौकरी मिली? आप लोगों के दल से निकलने की कोशिश तो बहुत की थी पर नाकामयाब रहा। क्यों, क्या हुआ? और क्या, उम्मीद थी काम बन जाएगा पर नहीं बना। अमावस की अंधेरी रात में कभी बिजली चमकती देखी है रतन बाबू? हमें नौकरी मिलने की बात पूछी थी, नौकरी की कोई खबर सुनकर हमारी जिंदगी के अंधेरे में भी पल भर को उजाला हो जाता, लेकिन फिर वही अमावस की रात वाला कूप अंधेरा। अंधेरा, अमावस, बिजली, इसके साथ ही नौकरी मिलने की तो कैसी मिली रे? तेरी बातचीत आजकल बिल्कुल बेतुकी होती जा रही। कल तुमने से तो कोई मैदान में लेक्चर सुनने गया नहीं, मैं गया था। एक महाशय ने बेकारी के मसले पे क्या गर्मा गर्म स्पीच दी। बेचारा बोलते बोलते रोने लगा, कहने लगा। क्या कहने लगा? कहने लगा, भाइयों, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सारी दुनिया की बेकारी का मसला एक महीने में हल हो जाएगा। बस अब तुम लोग कान में तेल डाल के आराम से सो जाओ। अच्छा तो मैं तो सोता हूँ, जब मसला हल हो जाए तो मुझे भी जगा देना। आप में से रतन कुमार कौन है? मैं आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम? जी हाँ, चार नंबर। क्यों, कैसा टेलीग्राम? कोई अच्छी खबर ही है ना? क्या हुआ रतन बाबू, कैसा तार है? खैरियत तो है ना? रतन बाबू, चलो चल के देखिए। ठहरो, उसे परेशान मत करो, उसकी बहन मर गई है। हाँ, मैंने भी तार देखा, बेचारे को तना ही में रोकर जरा मन हल्का कर लेने दो। ओ, मेरी बहन की मौत के बाद आज सेनेटोरियम से चिट्ठी आई है कि उसके लिए जगह खाली है। कितना भयानक मजाक, कितना भयानक मजाक। बाबू, ए बाबू, अरे इतनी अबेर हो गई, आज उठोगे नहीं? अरे उठूंगा क्यों नहीं, उठूंगा, बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, अखबार में नौकरी का इश्तहार देखूंगा, अर्जियां टाइप करूंगा, सभी कुछ तो करना होगा मुझे। आज का अखबार अभी तक नहीं आया? नहीं तो। अरे हाँ, नौकरी मिल जाने की उम्मीद में अखबार वाले को तो मना कर दिया था। जाती दामोदर बाबू से आज का अखबार मांगा। दामोदर बाबू से? ना ना ना, वो आदमी बस। बाबू तुम्हें मांग लिया, मैं तब तक कमरा साफ करता हूँ। अच्छा मैं ही जाता हूँ। लो एक नई मुसीबत, हमारे जान बाबू ने वायलिन भी खरीद ली। अरे वो शायद हमें इस मैच से भगा कर ही दम लेगा। यार एक काम करो ना। क्या? चंदा इकट्ठा करके उसे किसी संगीत के अखाड़े में भर्ती करा दो, वहाँ वो जी भर के वायलिन की कसरत। जान भी बचे। मैं अंदर आ सकता हूँ? कमे। अरे रतन, क्या समाचार? आज का अखबार तो आप पढ़ चुके होंगे। अरे अखबार क्या करोगे? मैंने सुना है किसी बैंक से तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। हाँ आया तो था बुलावा, मगर काम नहीं बना। अरे हाँ, वो भी याद आ गया। ओ पायनियर ट्रेडिंग कंपनी जानते हो ना, वहां के बड़े बाबू हमारे साले होते हैं, और वहां एक अच्छी सी नौकरी खाली हुई है। मैंने तुम्हारे लिए सब बातचीत कर ली, बस वहां जाकर बड़े बाबू से मेरा नाम लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। नमस्ते, मेरा नाम रतन कुमार है। कहिए। सुना है आपके दफ्तर में कोई जगह खाली हुई है? मेरे दफ्तर में जगह खाली? किसने कहा? तो शायद आप भूल गए। आखिर काम काजी आदमी ठहरे, याद भी कैसे रहे?
दरअसल दामोदर बाबू ने आपसे मेरे बारे में बातचीत की। दामोदर बाबू? जी हाँ, हम तो एक ही मेज में रहते हैं, उन्होंने ही मुझे भेजा। मगर ये दामोदर बाबू है कौन? आपके बहन भाई। आप अपने बहनोई को भूल गए? क्या बकवास करते हैं, मेरी कोई बहन ही नहीं, ये बहनोई कहाँ था आपका? गेट आउट, गेट आउट आई से। आज आप बस में ना आकर पैदल क्यों आ रहे हैं? वैसे बताने आप कुछ बोले नहीं रहे हैं, आप तो हमेशा खुश खुश रहा करते थे। खुश? जानती हैं सीमा देवी, कितनी आस कितनी उम्मीद लेकर मैं घर से निकला था। कोई बहुत बड़ी नौकरी पाने के हवाई के लिए मैंने नहीं बांधे, सोचा था कहीं 150-200 रुपए महीने की नौकरी मिलने पर एक छोटा सा मकान लूंगा और अपनी माँ और बहन के साथ रहूंगा। कितने प्यारे सपने थे, सब टूट गए, कुछ भी तो नहीं हुआ। कितनी अर्जियां भेजी, कितने ऑफिसों के चक्कर काटे, लेकिन चारों तरफ बस एक ही जवाब, नो वैकेंसी। आप निराश क्यों हो? आप मुझे दिलासा दे रही हैं ना, एक के बाद एक निराशा का सामना करते हुए इतने दिनों तक अपना दुख छिपाकर एक सर्कस के क्लाउन की तरह दूसरों को हंसाया और खुद भी हंसा हूं। लेकिन बस और नहीं, महसूस होता है अब अगर हंसने लगूंगा तो जबरदस्त रुलाई फूट निकलेगी। खैर छोड़िए इन बातों को, आप कुछ ख्याल नहीं कीजिएगा, हो सकता है शायद कल ही फिर हंसने लगूं और आप लोगों को भी हंसाऊं, इसके अलावा चारा भी क्या है। अच्छा अब मैं चलता हूं, नमस्ते। अरे नौकरी के लिए तो बिल्कुल दीवाना ही हो गया, मजाक तक नहीं समझता। मैंने ऐसे झूठ फूट बनाने के लिए कह दिया कि पायनियर ट्रेडिंग कंपनी में जगह खाली है, बस फट जा हमका। फिर क्या हुआ? फिर ऐसी करारी फटकार पड़ी उसे। मैं अपने ऑफिस की खिड़की से देख रहा था, दू मुंह लटकाए चला आ डर गए? मारूंगा नहीं, आपकी नौकरी लगी हुई है ना, इसलिए बेकारों की दुख आप नहीं समझ सकते। बड़े जोरों की भूख लगी हरी, क्या खाऊं बता दो। भूख लगी है तो बाजार से जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ। लेकिन पैसे कहाँ हैं? पैसे? अभी दोपहर में बिस्तर साफ करते वक्त तो देखा था मैंने कि तुम्हारे तकिए के नीचे 10 का नोट पड़ा झांक रहा था। कहता क्या है रे, मेरे तकिए के नीचे 10 रुपए का नोट? ए हरी, हफ्ता कहाँ है? मुझसे चालाकी करता है, जरूर तूने तकिए के नीचे रखा है। ये देख करके मेरे पास पैसे नहीं और कुछ दिनों से नाश्ता वगैरह नहीं कर पाता, अपनी तनख्वाह में से दान करने आया है, दाता कण बनता है ना। मैं कहता हूँ तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है जो मुझे भी हिस्सा देने आया है, ले रख। अरे हुआ क्या, नाश्ता न करने से मैं मरूंगा नहीं। घुसाने से पहले देखा नहीं कि बाहर क्या लिखा है ना? बाहर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं देखा। कुछ भी नहीं लिखा हुआ? चलो तो मेरे साथ।
देखा जरूर किसी। आप गाली क्यों देते हैं साहब, हवा से भी तो उलट सकता है। मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या, काठ का इतना भारी बोर्ड हवा से उलट गया। काठ का बोर्ड सर, 1918 में एक लोहे का जहाज हवा से उड़कर किसी दूर के गांव में जा गिरा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हवा से एक दिन सब कुछ उलट सकता है। 1918 में तुम्हारी पैदाइश किस सन की है? 1933। वाह वाह वाह, अब तो जरूर ये तुम्हारा ही काम है। आप एक काम दे दीजिए, तब ऐसा काम नहीं किया करूंगा। इतने बेकार है यहाँ। पालिस बाबूजी, बाबूजी पालिस। नहीं नहीं जरूरत नहीं। देखिए ना बाबूजी, आपका जूता कितना गंदा हो गया है। गरीब आदमी कोई ऐसा जूता पहनते हैं? भाई है ना बाबूजी, पालिश करके एकदम आईने की तरह चमका दूं। अभी तो इसको क्या पालिश करेगा, देखता नहीं तला फटा हुआ है। अरे बाबूजी, आजकल तले को कौन देखता है, ऊपर की चमक दमक से काम बन जाता है। देखिए ना मेरी गंजी का क्या हाल है। ठीक है ना बाबूजी, गंजा से कुछ नहीं खाया। कितने पैसे लेगा? अरे यही 4 पैसे बाबूजी, और क्या। क्या नाम है तेरा? लालू उस्ताद। उस्ताद तो तू है, तभी तो मेरी जेब से पैसे निकलवा लिए तूने। क्या कमा लेता पॉलिश करके, गुजारा तो हो जाता है ना? गुजारा क्या हो जाता है बाबूजी, करना पड़ता है। आपकी तरह हमारी कोई नौकरी बनी बनाई तो है नहीं। अबे मैं नौकरी नहीं करता, नौकरी की कोशिश करता हूँ। अभी अभी कुछ ऑफिसों के चक्कर काट कर जरा दम ले रहा हूँ, फिर जाऊंगा। अच्छा बाबूजी, भगवान आपको नौकरी दिलाए। बाबूजी, तुम जरूर नौकरी की कोशिश में लगे हो और काम नहीं बनता कहीं, ये ना ये बात तुम्हारे सर पर साफ लिखी है। मैं अपनी पावा से सब कुछ देख सकता हूँ। देखो तुम्हारा हाथ, देखो जरा। ओहो, जो सोचा था बिल्कुल वही। अरे ये शनि ही सब कुछ कर रहा है, जबकि कोई बात नहीं, गुरु प्रसन्न है। शिवे कष्टे गुरु माता गुरु रिश्ते कष्टरा। लो बेटा ये रुद्राक्ष धारण करो, सभी भी फसल हो जाएंगे और जिस काम पर जाओगे फते ही फते। ला बेटा, जाके लिए 1,000 रुपया निकालो। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं। अरे बच्चा, ये कोई मामूली चीज नहीं है, वही हिमालय पर्वत के सन्यासी जी ने मंत्र भूखा है इस पर। अच्छा 1,250 रुपये निकालो, सिर्फ कर्ज में देर नहीं करनी चाहिए। कल रुद्राक्ष देकर हमसे कहा था कि रेस में हमारी जीत जरूर होगी और हम तो हार कर फकीर हो गए। अरे भाग्य कहाँ है, पकड़ो 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 बेईमान, पकड़ो। नमस्ते कवि जी। भगवान, नीले आकाश में दो सफेद बादलों के टुकड़े जैसे हंसों का एक जोड़ा उड़ा जा रहा है। जरा हवा खा रहा था। ओ, तुम वही आवारा सोख रहे हो? जी हाँ, लेकिन ये आपका ऑफिस नहीं, आम पार्क है। लेकिन ये मकान पार्क का हिस्सा नहीं है। तो ये मकान आप ही का है? नहीं तो क्या, मुफ्त में तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, मैं तो आप ही से मिलना चाहता था। क्यों? मैंने पता लगाया है कि आप ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, मेरे साथ आपकी लड़की की शादी करेंगे। बेशर्म, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारा बेकार कहीं का। फिलहाल तो जरूर बेकार हूँ, लेकिन कई जगह दरख्वास्तें भेजी हुई, कहीं कहीं तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। दरख्वास्तें भेजी हुई है, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो वही हलवा पूरी हुआ। हलवा पूरी हुआ? डियर सर, सेवा में निवेदन है।
अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी जो सोचे बिना ठुकराओगे देखो बड़े पछताओगे अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी जो सोचे बिना ठुकराओगे देखो बड़े पछताओगे दिल ही हमारा बचान बेचारा तो किसके ये तीर चलाओगे दिल ही हमारा बचान बेचारा तो किसके ये तीर चलाओगे सुना है आपके यहाँ कोई जगह खाली है देखे हैं तुम्हारे सपने सोची है तुम्हारी बातें देखा है वो चंदा जब से आंखों में गुजारी रातें देखे हैं तुम्हारे सपने सोची है तुम्हारी बातें देखा है वो चंदा जब से आंखों में गुजारी रातें रुन भी मन में घूम मचा के हौले 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 आके ये आग लगा के जो और कहीं चले जाओगे देखो बड़े पछताओगे दिल ही हमारा बचान बेचारा तो किसके ये तीर चलाओगे As for my qualification, certificate साथ है जल जल के ये दिल निखरा है जो आग से निखरे सोना हम छोड़ चुके हैं कब से तकदीर का रोना धोना जल जल के ये दिल निखरा है यूं आग से निखरे सोना हम छोड़ चुके हैं कब से तकदीर का रोना धोना मन में उम्मीद के दीप जला के झिल मिल तारे ये दिल के सहारे जो पर्दे इन्हीं से गिराओगे देखो बड़े पछताओगे दिल ही हमारा बचान बेचारा तो किसके ये तीर चलाओगे दिल ही हमारा बचान बेचारा तो किसके ये तीर चलाओगे अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी जो सोचे बिना ठुकराओगे देखो बड़े पछताओगे सिवाय खिड़की की तेरी पढ़ाई क्या किसी और को हो ही नहीं सकती जा सुंदर मैं कहता रामू हेलो रामू जा नीचे से लकड़ी का टुकड़ा कुछ किया और एक हथौड़ी ले आ तो न रहेगा पास न बजेगी पांचरी ले ला 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 मुझे दे चारों तरफ से लफंगों की नजरें पड़े तो जवान जहां लड़की को घर में रखा जा सकता है ला मुझे दे मुझे दे अरे मेरा मुंह क्या दिखता लगा ना दूर से लगा ए फिर तूने कविता किताब पर चाय रख दी कितनी बार मना किया तुझे अच्छा बाबा गलती हुई ये लोग कान पकड़ता तुम्हारे टिप टिप मशीन वाले आ रहे हैं है? अरे हारे हाजी तो दस्तारी थे मैंने पैसे चुकाने का वायदा किया था अब क्या करूं जा तू बाहर से दरवाजा बंद कर दे और उनसे कह दे मैं बाहर गया हूं समझा जल्दी जा रतन बाबू हैं बाबू तो नहीं बाहर गए बाहर गए कब तक लौटेंगे कुछ बोलते नहीं गए कब तक लौटेंगे अच्छा तो ये कमरा खोलो मैं यहाँ बैठकर उनका इंतजार करूंगा यहाँ गर्मी में कहाँ बैठेंगे आप नीचे मैनेजर कमरे में चलिए पंखा है वहाँ चाय लाता हूँ चाय वाय की जरूरत नहीं है मैं यहीं बैठूंगा मैंने तो पहले ही कहा था आपसे आप नीचे चलकर आराम से बैठिए
नहीं नहीं मैं यहीं बैठूंगा। आधी तैयार की चिट्ठी सब तो जरूर कहीं आसपास होगा और जल्दी लौट आएगा। तो उनका कुछ ठीक नहीं है सर। अरे मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करूंगा। खर्च इंतजार सर भूचाल है। भूचाल जल्दी बाहर आइए साहब। भूचाल आप ही भूचाल ला रहे थे। खुद खाट के नीचे छिपकर नौकर से कहनवा देते हो कि घर में नहीं। वाह ये कहां की शराफत। खैर मैं समझ गया हूँ तुम पैसे नहीं चुका सकोगे। मैं अपना टाइपराइटर ही लिए जाता हूँ। चलो ले जाने दो। लेकिन मेरे हाथ तो नहीं ले जा सकता। हाथ तो नहीं लिखा। टाइप करके तो कितनी दरखास्त देगी। कुछ भी नहीं। मास्टर पर तमाम मिट्टी जाला सब। तुझे क्या परी है रे? पैसे चुकाने की डर से अगर चारपाई के नीचे छुपूंगा तो सर पर मिट्टी जाला नीचे का फूल बढ़ जाएंगे। चल भाग जाते। अरे शंकर बाबू इतने सरदर्द के कहाँ जा रहे हैं? कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है क्या? नहीं जी मैं तो जरा हावड़ा की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। और आप? मैं बस वही रोज वाला काम ऑफिसों के चक्कर काटना। अच्छा आप सरदार क्यों बड़ा जा रहे हैं जनाब? हम जो सुबह 6 बजे से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। नहीं नहीं मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये बात क्या है? और क्या 70 रुपए महीने की नौकरी खाली हुई है। अपने आप देख लीजिए ना वो सामने क्या लिखा है। अरे शंकर बाबू आप यहाँ? आपने तो कहा था ना किसी रिश्तेदार से मिलने हावड़ा जा रहा हूँ। जी हाँ लेकिन जरा ही माफ करना रतन बाबू। दरअसल मैं आपसे बातचीत कर रहा था। बहुत दिनों बाद इस ऑफिस में नौकरी मिलने की उम्मीद हुई है इसलिए मैं। हाँ हाँ मैं समझ गया। अच्छा आप ही कोशिश कीजिए मैं जाता हूँ। लेकिन हाँ नौकरी मिलने पर मिठाई खिलानी पड़ेगी। विश्व व्यस्त धन्यवाद। शंकर मुखर्जी किसका नाम है? मेरा। चलिए आपको साहब ने बुलाया है। शंकर बाबू नौकरी मिली? नहीं। क्यों क्या हुआ? आप तो मुझ पर ऐसा लाद कर चले आए लेकिन जानते हैं उस 100 रुपए की नौकरी के लिए करीब 200 एमए पास कैंडिडेट्स ने दरखास्त भेजी थी और मैं तो सिर्फ बीए पास हूँ। कैसे मिलती नौकरी? मैं जानता हूँ मेरे नसीब ही खोटे हैं। कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आज की रात कानों के साथ खेलूंगा खेल मौत के मैं खेलूंगा खेल मौत के। गगन गगन अंधकार धर 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 वर्षा धार रोती है जैसे चारों दिशाएं दिग दिगंत हाहाकार। आज की रात प्राणों के साथ खेलूंगा
क्यों शंकर बाबू, क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं जी। चारा नहीं, मैं कहता हूं मर तो जाओगे, लेकिन उसके बाद कुछ सोचा है तुम्हारे माँ बाप भाई बहन का क्या होगा जो सिर्फ तुम्हारी याद से जी रहा है? मैं तो सब कोशिशें करके थक चुका हूं, पर कुछ भी तो नहीं होता। तो भी कोशिश जारी रखनी होगी, इस तरह मरना तो हार मान लेना है, हमें जिंदा रहना है और बार बार कोशिश करनी है। हम मरकर कभी हार नहीं मानेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। बेवकत काय को लेते हैं? दूसरी चिट्ठी रखी रही पढ़ाई से, क्या होगा रोने पढ़ के? मैं जानता हूं उनमें लिखा होगा हमें अफसोस है, हमें अफसोस है। कोई उनसे जाकर पूछे कि अफसोस क्यों करते हैं, एक छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं देते? पढ़ तो लो। फिर काय को दिया? वही अफसोस। हरि हरि, क्या हुआ? मिल गई, मिल गई नौकरी, नौकरी, नौकरी मिल गई। ना बाबा, इस बार ज्यादा हुल्लड़ नहीं मचाऊंगा, जब बिल्कुल मिल जाएगी तब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला लूंगा। तनख्वाह कितनी? 250 रुपये महीना। बंबई के मिस्टर चीकू भाई गेंदाराम बैराम जी भाट पड़िया एंड कंपनी लिमिटेड। बाप रे बाप, क्या डेढ़ गज लंबा नाम है। चलो कोई बात नहीं, 250 रुपये की नौकरी देते हैं, डेढ़ की जगह 3 गज लंबा नाम रखिए, मुझे कोई इतराज नहीं। तब जाना होगा। लिखा है 22 तारीख को ज्वाइन करने, आज 19 तारीख, तो अगर कल तक रवाना ना हो गया तो ठीक वक्त पर पहुंच नहीं सकता। जाऊं कैसे? बंबई जाने में कोई कम खर्च तो नहीं? मेरे पास जो कुछ है अपना कैमरा और किताबें सब भेज दूंगा। किताब भी भेज दोगे? तो क्या इतनी मुसीबत से मिली नौकरी छोड़ दूं? अरे नौकरी मिलने पर तो फिर सब कुछ बन सकता है, क्यों? हाँ, तू जाकर किसी रद्दी कागज वाले को सब अखबार भेज दे, मैं भी खा पीकर बाहर निकलता हूँ, जा जल्दी जा। बाबू अंदर है? नहीं तो वो तो दफ्तर चले गए। और तुम्हारी सीमा बहन? आज कॉलेज बंद है ना, इसलिए अपने निहाल गई। कब तक लौटेंगी? कहाँ नहीं जा सकता, अब ही लौटता है, नहीं तो रात भी हो सकती है। नहीं नहीं, अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी इसके साथ मैं ठीक कर दूंगा, नहीं तो बुरा यकीन ही नहीं करेगा। हेलो
दबा की मार अनर्थ हो गया। क्या हुआ? रास्ते में कोई गाड़ी वाड़ी के नीचे आ दबा क्या? रास्ते में नहीं सीमा की माँ, रास्ते में नहीं, घर के अंदर ही अनर्थ हुआ है। कुछ कहो भी, आखिर क्या हुआ? ये देखो तुम्हारी बेटी के नाम चिट्ठी। तो इसमें अनर्थ की क्या बात हुई? अनर्थ की बात नहीं, मर्दानी लिखावट और फिर हैंड डिलीवरी। शायद बेसर प्यार की बातें। ये चिट्ठी किसी मर्द की लिखी क्यों होगी? शायद सीमा की तारीफ की किसी सखी ने लिखी। अरे क्या बेसर पैर के हाके जा रही हो? मैं इतने लड़कों पे हुकूमत करता हूँ तो क्या जनाना मर्दाना लिखावट तक नहीं पहचान सकता? ना 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 ना, मुझे लड़की की ये रंग ढंग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे ही कहने पर मैंने उसे कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन बस अब और नहीं, अपने विश्वनाथ बाबू के लड़के से उसकी शादी कराया देता हूँ। बड़ी आई चिट्ठियों वाली, देखो तो इसमें लिखा क्या है। लड़की की चिट्ठी पढ़ोगे? इसमें चीची की क्या बात है, लड़की की शादी तो नहीं हो चुकी जिसमें कुछ प्राइवेट बातें होंगी? इसीलिए क्या लड़की की चिट्ठी खोल कर पढ़ लोगे? ना हर किस नहीं। अच्छा तुम कहती हो तो नहीं पढ़ता, इसे जला डालता हूँ। ये क्या किया? ये किया? इतनी देर क्यों हुई? वो मामी तो आने ही नहीं देती थी। ओ। माँ क्या बात है, ये कागज जलने की सी बात क्यों आ रही है? कुछ नहीं बेटी, जा तू जाके मुँह हाथ धो। आपने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। नहीं मिली? सुना था कि आप अपने मामा के घर गई हैं, इसलिए मैं आपके लेटर बॉक्स में रखा है। क्या लिखा था आपने चिट्ठी में? मुझे बम्बई में 250 रुपए की नौकरी मिल गई। अच्छा? हाँ, ये खबर देने के लिए तो मैंने आपको खत लिखा था, और साथ में आपके पिताजी को भी खत लिखा था। पिताजी को क्या लिखा था? आपसे शादी करने का प्रस्ताव किया था। वो चिट्ठी मिली नहीं? नहीं तो तब तो जरूर पिताजी के हाथ लग गई है, और उन्होंने गुस्से में कहीं चिट्ठी फेंक दी होगी। कहती क्या है, फेंक दी? तब तो सब गड़बड़ हो गया। जानती हूँ चिट्ठी के साथ क्या था? क्या? मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। अब मुश्किल यह है कि उसमें कंपनी का नाम पता वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं। आपको ऑफिस का नाम और पता तक याद नहीं? नौकरी पाने के लिए मैंने कोई 2-4 दरखास्तें तो नहीं की, कम से कम 5 अर्जियां भेज चुका हूँ, अब याद भी कैसे रखता? कोई 1.5 गज लंबा तो नाम है कंपनी का। तब तो बड़ी मुसीबत थी, जरा दिमाग पर जोर लगाइए ना, शायद याद आ जाए। नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या? कंपनी के नाम का पहला अक्षर कैसे शुरू होता है, बीच का नाम किसी जानवर से मिलता है, और नहीं नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आपके पिताजी से मिलना ही होगा, अगर चिट्ठी नहीं मिली तो एक आफत खड़ी हो जाएगी। पिताजी अभी तक तो ऑफिस से वापस नहीं आए हैं। तो जब वो ऑफिस आएंगे तब मुझे मिलना ही होगा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आप बम्बई के लिए कब रवाना होंगे? आज ही रात की गाड़ी। आज ही चले जाइएगा? हाँ मुझे 22 तारीख को ज्वाइन करना है। अच्छा, मेरे चले जाने के बाद आप मुझे भुला तो नहीं देंगे? आप शाम को आइए, उस वक्त पिताजी बैठक में चाय पिया करते हैं। अच्छा नमस्ते, मैं आपसे एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आया हूँ। आप पहले से कुछ कमजोर मालूम होते हैं। अरे तुम पार्क वाले वही बेकार छोकरे, तू अंदर जा तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आज मकानी में घुस आए? आप खफा क्यों होते हैं? यही तो कहने आया हूँ कि हमने बेकार नहीं, मुझे बॉम्बे में एक अच्छी नौकरी मिल गई। बॉम्बे में तुम्हें नौकरी मिली है, ये खबर मुझे सुनाने का मतलब? जी मतलब है, तभी तो कह रहा हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास? जी जी, जी जी जी, मेरा मतलब है कल सीमा देवी के नाम एक चिट्ठी। तो तुमने लिखी थी वो? निकल जाओ, आप निकल जाओ। आप नाराज क्यों होते हैं? क्यों तुमने मेरी बेटी के नाम चिट्ठी लिखी? जी यही तो बताना चाहता हूँ, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं। बात यह है कि आपका नाम तो जानता है, इसलिए आपकी बेटी के खत में आपके नाम एक दरखास्त भेजी थी। कैसी दरखास्त? शादी की दरखास्त, और उसके साथ अपना अपॉइंटमेंट लेटर एक टेस्टिमोनियल की तरह अटैच कर दिया था, ताकि आपको पूरी तरह से एतबार हो जाए कि मुझे सचमुच नौकरी मिल गई। मैं आज ही बॉम्बे रवाना हो रहा हूँ, उस अपॉइंटमेंट लेटर की मुझे सख्त जरूरत है। वो चिट्ठी मैंने जला डाली। जला डाली? ये क्या, ये क्यों बैठे? जी लेट नहीं किया, यही गनीमत है। जानते हैं उसमें कंपनी का नाम पता ठिकाना सब कुछ लिखा हुआ था, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ, मेरी 250 रुपये महीने की नौकरी चली जाएगी। कितने रुपये महीने की? 250। तुम्हें 250 रुपये महीने की नौकरी मिली है? जी क्यों नहीं मिलती, मैंने बीए पास किया है, कोई घास नहीं काटी। आप इतने शक्की मिजाज के हैं, इसीलिए तो अपॉइंटमेंट लेटर साथ भेजा था। बैठो बैठो, जाते हो? जी नहीं अब बिल्कुल नहीं, मुझे अभी जाना है। ठीक है, बम्बे पहुंच नौकरी ज्वाइन करके मुझे खबर देना, तब मैं तुम्हारी दरखास्त पर गौर करूंगा। अच्छा जाओ। लेकिन जाऊंगा कैसे, कंपनी का पता ठिकाना यहाँ तक कि नाम भी तो याद नहीं। इतने बड़े अनजाने शहर में जहाँ किसी से जान पहचान तक नहीं, क्या ढूंढूंगा और कैसे ढूंढूंगा?
अपॉइंटमेंट लेटर तो आपने जलाई डाला, लेकिन लिफाफा तो तुम्हारे पास है, वो तो मैंने नहीं जला डाला, उस पर कंपनी का नाम पता वगैरह जरूर लिखा होगा। हाँ ठीक है, आपने लिफाफे पर भी नाम और पता छपा हुआ था, जाकर देखता हूँ शायद मिल जाए। मेरा नाम रतन कुमार है, याद रहेगा ना? नमस्ते। 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 सुनिए वो आप देखा किस खूबी से आपके पिताजी को मैनेज कर लिया, उन्होंने कहा है हमारे बारे में सोचेंगे, अब अगर आप भी। मतलब ये कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद जब तक मैं छुट्टी लेकर लौट ना सकूं, तब तक आप चाहते हैं कि मैं आपके इंतजार से बैठी रहूं? जी नहीं सर, बैठिएगा क्यों, अगर आप चाहें तो खड़ी भी हो सकती हैं, चल फिर भी सकती हैं, और अगर मर्जी हो तो उछल कूद भी सकती हैं। अच्छा ऑफिस का नाम याद आया? क्या क्या है, क्या डेढ़ कसी नाम है, जाकर देखता हूँ शायद लिफाफा मिल जाए। अगर ना मिला तो भी जाना ही होगा, नौकरी ना मिली तो तुम्हें भी तो हाथ से खो देना पड़ेगा। अच्छा मैं चलूँ, ट्रेन का वक्त हो गया। अरे हरी सब घोटाला हो गया रे, मेरी नौकरी की चिट्ठी का लिफाफा नहीं मिल रहा। तो लिफाफा काय को ढूंढ रहे हो, चिट्ठी का भी? चिट्ठी का ही गोलमाल हो गया है, मिल नहीं रही। पापा वो घूम कैसे हो गई, रखा कहाँ था? अरे तू तो पुलिस की तरह जिरह कर रहा है, तुझे क्या पड़ी ये सब बातें जानने की, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दे। लिफाफा देखा है कहीं? दो चार फटे लिफाफे पड़े थे, वो सफाई के वक्त मैंने बाहर फेंक दिया, बस हो गया सत्यानाश। उधर मेरी ट्रेन का वक्त हो जा रहा है, अब क्या करोगे? ऐसे ही जाऊंगा, 250 रुपए की नौकरी नहीं छोड़ सकता। रहने दे, कुछ नहीं ले जाऊंगा कार को। अरे अब इस पुराने बक्से में रखा ही क्या है, जा ये तुझे दान कर दिया, समझा? जी समझा, मुझे दान कर दिया। अच्छा भैया काफी दिनों तक मिलजुल कर रहे हैं, अब मैं चलूंगा। मुबारक हो भाई, हम बेकारों के दल में से तुम्हें ने सबसे पहले अपना नाम कटाया। नहीं माफ करना, हमारे पास फूलों की माला वाला के लिए तो पैसे थे नहीं, इसलिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। आपको एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ, आज एक इंटरव्यू में गया था, शायद मैं चुन लिया जाऊंगा। मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई सुनकर। अच्छा भाई जाते ही चिट्ठी लिखना। नमस्ते कवि जी, आपने तो सुनी लिया होगा कि मुझे नौकरी मिल गई, मैं आज ही बंबई जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मैनेजर बाबू, पहली तनख्वाह मिलते ही आपको भी कुछ रुपए भेज दूंगा, फिक्र मत कीजिएगा। अरे फिक्र करने से भी क्या होगा रतन बाबू, सब तुम्हारे घर में मान पर है। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। अच्छा हरी मैं चलूं। अरे ये कोट वोट पहनकर कहाँ जाने की तैयारी? मैनेजर बाबू से मैंने छुट्टी ले लिया है, मैं भी तुम्हें छोड़ने के लिए स्टेशन चलूंगा। नहीं नहीं तेरे जाने की जरूरत नहीं, खामों का देर हो जाएगी और तुझे तकलीफ होगी, समझा? ना नहीं समझा, मैं जरूर चलूंगा, समझे? समझा, तू जरूर चलेगा। नौकरी ज्वाइन करते ही तुम्हें खबर भेजूंगा। इतना चिल्लाए काहे कर रहे हो, साथ में साथ तो चल रहा हूँ तुम्हारे। अरे चिल्ला कर रहा हूँ रे, चल जल्दी जल्दी चल, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा हरी गाड़ी छूटने वाली है, अब तू जा। देखो आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, सारा सामान बेचकर जो रुपए मिले वो सब टिकट टिकट में चले गए, एकदम खाली हाथ परदेश जा रहे हो, ये 20 रुपए अपने पास रख लो, रख लो। आज मैं तेरे दान का अपमान नहीं कर सकता। रो रहा है तू? मैं रो कहां रहा हूँ, इंजन का कोयला पड़ गया। पहुंचते चिट्ठी भेजना। अच्छा अच्छा नौकरी लगती ही बम्बई ले जाऊंगा। Thank you.
मैं जरा देख नहीं सका। वरुण हसतोय आणि लाज नाही वाटत? रस्त्यावरून चालतोस, दोन्ही डोळे घरी ठेवलेलास काय? ये भी नहीं, क्या डेढ़ गज लंबा नाम है, याद ही नहीं आ रहा। सुनिए, के से शुरू हो ऐसे नाम वाला कोई ऑफिस है यहाँ? शू शू नहीं, के तुम्हारो मगज भरी गया मुझे, तुम्हें दीवाना सही आया। समझ नहीं आया। नमस्ते जी। हाँ, बड़े बड़े ऑफिस किधर है? देख, तुम्हारे को कौन सा ऑफिस मांगता है? जी यही तो मुश्किल है, मैं ऑफिस का नाम भूल गया हूँ। देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द प्लेस, कारण क्या है यहाँ तो डायरेक्ट रस्ता ऊपर मोटा मोटा ऑफिस है बाबा। तुम्हारा ऑफिस में धंधो तुम क्या लिखे है, धंधा क्या होता है उधर? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? हाँ, तो तुमको फिर थोड़ा आगे जाने को पड़ेगा, कारण की उधर थोड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ऑफिस है बाबा। धन्यवाद। हाँ साहब जी। सुनिए साहब, यहाँ कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऐसा ऑफिस है जिसका नाम के से शुरू होता है? के से? हाँ हाँ, वो क्या देखिए, सामने एक ऑफिस है कीर्ति कुमार या कुछ ऐसे ही। कीर्ति कुमार नहीं, तो आप सामने गली में चले जाइए, और भी बहुत से ऐसे ऑफिस है जिनका नाम के से शुरू होता है। और भी ऑफिस है? हाँ हाँ। शुक्रिया शुक्रिया। अबे बड़ा बढ़िया शिकार है, तू फॉलो कर, मैं भी साथ चलता हूँ तेरे। उल्टा मुझे दोष दे रहा है। अरे बिल्कुल झूठ सिपाही जी, देखिए ना मेरी जेब में बटवाई कहाँ। दोनों को पकड़ कर थाने ले जाइए, वहाँ अपने आप पता चल जाएगा कि असली पॉकेट मार कौन है। दोनों थाने चलो। मैं क्यों थाने जाऊँ, मुझे तो आज 10 बजे से पहले ऑफिस ढूंढना है, आज ही तो ज्वाइन करने का दिन है सिपाही। नहीं नहीं हुजूर, ये बिल्कुल झूठ कर रहा है। दरअसल यही मेरी फादर चुप करने के लिए कहा था ना। कलकत्ते से किस सिलसिले में आए जी? यहाँ के एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफिस से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, वहीं ज्वाइन करने आया। क्या नाम है ऑफिस का? नाम नाम ही तो भूल गया। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट लेटर दिखलाइए। अपॉइंटमेंट लेटर जी, वही तो कलकत्ते में कुछ गड़बड़ हो गई है। बात दरअसल ये है, जरा समझा के कहना पड़ेगा। इसमें समझाने की क्या बात है, आप उसका नाम भी नहीं जानते? जी बहुत बड़ा नाम है, याद कैसे रहे? सिर्फ इतना याद है कि नाम का पहला लफ्ज़ के से शुरू होता है और बीच में एक जानवर जैसा नाम। चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो? पर उनका नाम तक नहीं जानते हो, क्या अपॉइंटमेंट लेटर पाकर सर्विस कर रहे हैं? ले जाओ इन्हें, हवालात से बंद कर दो, कल कोर्ट में चालान किया जाएगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, अगर आज ऑफिस में हो सका तो मुझे नौकरी गंवानी पड़ेगी। अच्छी बात है, रात भर हवालात से बैठ कर याद कर रहे ना। ले जाओ दारोगा साहब, प्लीज सुनिए तो, प्लीज दारोगा साहब, प्लीज प्लीज दारोगा साहब। भैया शुरू होने वाले कुछ आदमी का नाम तो बताओ। अबे क्यों परेशान करता है, एक तो यहाँ मछली नहीं छोड़ने देते, ऊपर से तूने शटर लगा रखा। सिपाही जी, कुछ जानवरों के नाम तो बताओ। चलो भालू, ठीक हो बटे मन है ना सर? गेंडा 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 राम, याद आ गया, ठीक हो भाई। गेंडा राम बैराम जी, भाट बारियान कंपनी लिमिटेड।
सिपाही मुझे छोड़ दीजिए, कंपनी का नाम याद आ गया, चीकू भाई के नाम बेरंजी अलाम ना कर, सिपाही मुझे दरवाजे के पास ले चले, चुप के जरा सिपाही मुझे कंपनी के नाम याद आ गया, सिपाही सुनिए सर, सिपाही मुझे कंपनी का नाम याद आ गया, सिपाही मुझे छोड़ दीजिए, दुहाई है मुझे छोड़ दीजिए, सिपाही मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। चीकू भाई गेंदाराम बैराम जी भाग पड़िया कंपनी लिमिटेड। चीकू भाई गेंदाराम, लेकिन उन्होंने तुम्हें नौकरी के लिए बुलाया था, इसका सबूत? जी मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा ठहरो, मैं टेलीफोन करता हूँ। एक नहीं सौ बात कीजिए, चीकू भाई गेंदाराम बैराम जी भाग पड़िया कंपनी लिमिटेड। हेलो, आपने कलकत्ते से किसी रतन कुमार चौधरी को नौकरी के लिए बुलाया था? हाँ जी, उसने कल ज्वाइन करना था। थैंक यू जी, कुछ नहीं, तुमने ठीक ही कहा था। आई एम वेरी सॉरी यंग मैन, तुम जा सकते हो। अच्छा जी नमस्ते, मेहरबानी करके मुझे फर्म का एड्रेस बता दीजिए, मुझे कहाँ जाना होगा। किंग्स मेंशन बैलाड एस्टेट। किंग्स मेंशन बैलाड एस्टेट, किंग्स मेंशन बैलाड एस्टेट, किंग्स मेंशन बैलाड एस्टेट। नमस्ते सर, आपकी चिट्ठी पाकर मैं कलकत्ते से आया। मेरा नाम रतन कुमार चौधरी। ओह बैठिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आपके बारे में टेलीफोन पर कोई पूछताछ कर रहा था, क्या बात है, कल आप आए थे ना? जी आता कैसे, कल सारी रात तो थाने में, मेरा मतलब है थाने के पास एक मकान में रात काटनी पड़ी। पहली बार बम्बई आया हूँ ना, इतना बड़ा शहर है, मैं तो भूल भुलैया ही सुलझाता रह गया। लेकिन एक मुश्किल आ पड़ी है। वो क्या? कल आप आए नहीं, इसलिए साहब ने दूसरे कैंडिडेट को बुलाने का हुक्म दे दिया। जी साहब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। इतनी दूर से आया हूँ, यहाँ किसी से जान पहचान तक नहीं, अगर नौकरी न मिली तो मुझे दर दर भटकना पड़ेगा। इस नौकरी पर ही तो मेरा बहुत कुछ दारोमदार है। अब आप कहिए क्या करूँ, साहब की बात तो मैं काट नहीं सकता। Hello? ये देखिए नया अपॉइंटमेंट लेटर भी टाइप हो गया है, बस आपके दस्तखत के लिए भेज रहा हूँ। आई एम सॉरी जनाब, आप नहीं समझ सकते मैं कितनी आस लेकर आया हूँ, मेरी माँ भी इसी उम्मीद पर जिंदा है। सभी जान गए मुझे नौकरी मिल गई है, अब अगर मैं क्या करूँ। आप कल वक्त पर नहीं पहुँचे, इसीलिए सब गोलमाल हो गया। आपको बड़े बाबू बुला रहे हैं। मुझे क्यों, मुझे क्या मान, यू आर वेरी लकी। मैंने जब साहब को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने मेरी बात मान ली, तुम कल से ज्वाइन कर लो। डोंट बी एक्साइटेड, आपने मेरा कितना उपकार किया, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ले जी सर, अभी यही एक रूम खाली है, तो मैं आराम कीजिए और मैं चाय भेजता हूँ। सुनिए जी, चाय के साथ जरा वाय भी भेज दीजिए। आई बेग योर पार्डन, नहीं समझे? नहीं, नाश्ता। अच्छा भेजता हूँ। Oh, I'm so sorry. I made a mistake. Mine's next room. भगवान, इतने दिनों के बाद तुम्हारी दया से मेरे बेटे को नौकरी मिली है। वो सदा सुखी रहे, बड़े फूले। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों जी, किसकी चिट्ठी है ये? अरे उसी मेस वाले आवारा छोकरे की, बंबई में 250 रुपए की नौकरी लग गई है,
अब तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। कौन? वही अपना रतन ना? वाह वाह, क्या चांद सा चेहरा है उसका। औरत की जात हो ना, भारी चमक दमक पर ही पिघल पड़ती हो। अरे ना जाना ना पहचाना, और 1300 मील दूर कहीं नौकरी करता है, इससे तो वो अपने विश्वनाथ बाबू को लड़का कहीं अच्छा है। अरे माना के बलून का जरा मोटा है, लेकिन मर्दों के रूप को कितने परखा है। उसके बाप की कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान है, तुम्हारी बेटी राजरानी बनकर रहेगी राजरानी। फिर भी जरा लड़की की मर्जी। रहने दो रहने दो, तुमने क्या अपनी मर्जी से मुझे पसंद किया था? क्या तुम्हारी हमारी शादी हुई नहीं? बोलो तो क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? नहीं 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 नहीं, ये नई रोशनी की मेम साहब ही बातें मेरे जीती जी नहीं चलने की। मैं आज ही विश्वनाथ बाबू को मिलकर उसकी सगाई की बात पक्की करके आता हूँ। पान तो लीजिए। सलाम भेजा।
नहीं नहीं, ये बीमारी वारी तो सभी के घर लगी रहती है, इस कदर छुट्टियां लेने से भला काम कैसे चलेगा। ये स्टेटमेंट आज हर हालत में पूरा हो जाना चाहिए, कल इसे जरूर पोस्ट कर देना। आपने मुझे बुलाया? जर्मनी की जिस फार्म को नारियल की रस्सी सप्लाई की गई थी उसकी फाइल जरा भिजवा दो। बहुत अच्छा। नारायण साहब के पास ये फाइल भेजा। मिस्टर पटेल, आपके घर में कौन बीमार है? मेरे लड़के को कई रोज से तेज बुखार रहता है, उतरता ही नहीं। मोहल्ले में 4-5 टाइफाइड के केस हो चुके हैं, बड़ी चिंता लगी है। मिस्टर पटेल, 5 तो बच चुके हैं, आप उठी नहीं रहे, क्या करूं? बड़े साहब का हुक्म है कि ये स्टेटमेंट आज ही पूरी करनी होगी, मुझे उठने में शायद रात हो जाए। अच्छा ये तो बताइए, छुट्टी के बाद काम करने से यहाँ ओवरटाइम के पैसे तो मिलते हैं ना? ओवरटाइम के पैसे यहाँ कभी फिर इस बात की चर्चा ना कर बैठना। क्यों भला? इसी ओवरटाइम को लेकर इस दफ्तर में बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। कई आदमियों को नौकरी से अलग कर दिया गया, उन्हीं की जगह पर नए आदमियों को रखने की जरूरत थी, इसीलिए तो ये नौकरी आपको आसानी से मिल गई है। ओह, ये बात तो पहले कभी सुनी नहीं। सुनते भी कैसे, उस घटना के बाद इस दफ्तर में काम करने वाले आदमियों की हिम्मत क्यों तक करने की नहीं है। मजबूरी से यहाँ बैठा काम तो कर रहा हूँ, लेकिन सच मानिए रतन बाबू, मेरा मन अपने बीमार बच्चे के आसपास ही भटक रहा। सोचा था आज किसी अच्छे डॉक्टर से उसका मुआयना कराऊंगा, लेकिन इस काम के जल्दी खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं। आप मुझे अपना काम समझा दीजिए, मैं कर रखूंगा, आप डॉक्टर को लेकर घर जाइए। नहीं नहीं साहब, बहुत सख्त आदमी है, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसमें उनकी नाराजगी की क्या वजह हो सकती, उन्हें तो अपना काम पूरा होने से मतलब है। लेकिन ये काम जरा पेचीदा है, आप कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकूंगा, आप मुझे ठीक तरह से समझा दीजिए, यही तो होगा ना कि जरा ज्यादा देर लग जाएगी, समझाइए। अच्छा तो ये देखिए, ये वाउचर है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। काम पूरा करने का जिम्मा मैंने आपको दिया था, आपने दूसरे के सपोर्ट क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? आप तो जानते हैं ना कि ये काम कितना जरूरी है। जी, मैं तो नहीं जा रहा था, लेकिन मिस्टर रतन, मिस्टर रतन आपका बॉस है कि मैं? मिस्टर पटेल, आप चूंकि यहाँ काफी अच्छे से मुलाजिम है, मैं ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा, लेकिन आज से मैं आपको 7 दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। सर जाइए। क्या हुआ? मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। हैं? सस्पेंड कर दिया? हाँ। तो 7 दिन की तनख्वाह। लेकिन कसूर तो मेरा, फिर आपको सजा क्यों? नहीं नहीं, मैं साहब से जाकर मिलता। ना ना रतन बाबू, कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टी वो और बिगड़ जाए। बिगड़ेंगे क्यों, आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। सुना है आपने मिस्टर पटेल को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सर कसूर तो मेरा है, सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं जो ऑर्डर दे देता हूँ उसे रद्द नहीं किया करता, जाओ अपना काम देखो। लेकिन सर ये तो बड़ी ज्यादती है, गलती कोई करे सजा कोई और भुगते। ज्यादती? कुछ ही दिन तो हुए तो नहीं आए, फिर उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? फेलो वर्कर के लिए अगर फेलो वर्कर कोई हमदर्दी ना हो तो फिर किसे होगी? फेलो वर्कर? अच्छा तुम जाओ अपना काम करो, मैं इस बात पर गौर करूंगा। जी बहुत अच्छा। मिस जॉन, प्लीज कम हियर। साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा गौर करूंगा, बस अब आप चिंता मत कीजिए। एक बढ़िया लंच के लिए नहीं उठेगा? मेरे पास काम ज्यादा है, मैंने बैरिस से बोल दिया वो चाय यहीं दे जाएगा।
फुलाना जी, इस तरह टेबल के नीचे छुपा कर कौन सी फाइल पढ़ रहे? कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल मामला है शायद। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, बेचारे की ताजी ताजी शादी हुई है और ऊपर से बिरह दशा चल रही है। पढ़ो पढ़ो, घर में एक बार पढ़ने ही से तो मन की साथ पूरी नहीं हो सकती ना। लेकिन बखुरदार जरा होशियार रहना, इस फाइल के साथ ये चिट्ठी भी कहीं बड़े साहब के हाथ ना लग जाए। लेकिन भाई इस कदर छुपा के क्यों पढ़ते हैं आप? अरे अगर मेरी शादी हो गई तो मैं तो सबके सामने पढ़ा करूंगा। अच्छा तो क्या आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, लेकिन होने वाली है, बस नौकरी मिलने की शर्त थी। लड़की कैसी है? बेहद खूबसूरत। अच्छा और उसका रंग कैसा है? मैदे में किसी ने सिंदूर मिला दिया हो जैसे। और नाक नक्श एकदम ठीक है। बा, 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 बा। और केस काले बादल और आंखें हिरनी जैसी, होंठ होंठ गुलाब की पंखड़ियां। बा, 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 बा। लेकिन भाई एक दोष है। वो क्या? लड़की का बाप एकदम मिलिट्री फादर। किसकी चिट्ठी? आपकी। क्या बात है जी? मैं जरा सबसे मिलना चाहता हूँ। आप जरूरी काम कर रहे हैं, मुलाकात नहीं हो। लेकिन मुझे भी एक बहुत जरूरी काम है। चपरासी बाहर ये क्या शोर हो रहा है? प्लीज मैनेजर साहब, इस छोटी सी गलती के लिए मुझे बर्खास्त मत कीजिए। नौकरी न रही तो मुझे प्रदेश में भूखों मरना पड़ेगा। गांव में मेरी बूढ़ी माँ मेरी आस लगाए बैठे। मैनेजर साहब मुझ पर रहम कीजिए। चपरासी मैनेजर साहब उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। रहम कीजिए मैनेजर साहब, ऑफिस में खड़ा होकर मैनेजर साहब मुझ पर रहम कीजिए। कौन यहाँ से फोन कर रहा है? घबराइए नहीं, जरा धीरज रखिए। घबराइए नहीं रतन बाबू, शांति कीजिए। हमने सब बातें मिस्टर पटेल से सुन ली। साहब का गुस्सा जरा ठंडा हो जाए, हम सब मिलकर आपके लिए कोशिश करेंगे। Thank you.
क्या सोचने लगे? मैं कुछ भी तो नहीं। सुनो जी, अब हम होटल में नहीं रह सकते, तुम एक छोटा सा मकान खोजो, वहां हम सुंदर बगीचा लगाएंगे, सामने सब्जियों का गेट होगा, पर मैं मचान बांधकर चमेली का पौधा लगाऊंगी। क्या ठुका? क्या हुआ? कुछ नहीं, एक ग्लास टूट गया। सीमा, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ, मैं बाहर कहीं लेट रहूंगा। बाहर सोए तो लोग क्या समझने लगेंगे? नहीं नहीं, तुम बिस्तर पर सो, मैं यहाँ सो जाऊंगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम बिस्तर पर सो जा, मैं यहाँ लेट रहूंगा। मुझे तो पहले तुम सोचो। ओह, समझ गया था। अच्छा ठहरो, मैं इसे घुमा लेता हूँ, वरना तुम्हें भी अजीब अजीब लगेगा और मुझे भी नींद नहीं आएगी। ए जी, उठो ना, 8 बज गए, ऑफिस नहीं जाना। हाँ, बड़ी देर हो गई ना। तुम हाथ मुंह धो लो, मैंने चाय के लिए कह दिया। ले आ। ऑफिस से लौटते वक्त मेरे लिए एक साड़ी ले। साड़ी? हाँ, घर से बस इन्हीं कपड़ों में निकल पड़ी थी ना, बड़ी दिक्कत हो रही है। ओह अच्छा, जरूर लाऊंगा। सीमा, कितनी आस कितनी उम्मीद लेकर तुम मुझ जैसे बदकिस्मत के पल्ले आ पड़ी हो, मुझे तुम्हारे लिए बड़ी चिंता है। क्या कह रहे हो तुम? मेरे साथ तो पेड़ की छांव भी स्वर्ग से। और हाँ, साड़ी के साथ ब्लाउज के लिए भी एक आस पीस लिया ना। अच्छा, जैसे भी हो नौकरी हासिल करनी ही होगी।
ऑफिस में कोई मिस्टर देसाई काम करते थे? जी हाँ। क्यों? ट्रेन एक्सीडेंट में आज बेचारे मारे गए। मारे गए? उनकी जगह तो खाली होगी, वो नौकरी मुझे मिल सकती है। सारे कोई नया आदमी नहीं रखा जा सकता, हमारे यहाँ तो उनकी छटनी होने वाली है। वहां से जवाब मिल गया। जवाब मिल गया? जी जी हाँ, उन्होंने जितने दिन वहां काम किया है उतने दिनों की तनख्वाह लेकर आया, ये उन्हें दे दीजिए और कहिएगा कि वो किसी बात की चिंता न करें, हम सब मिलकर उनको उसी जगह पर बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नमस्ते। कोई मिलने आया था? कौन आया? नाम नहीं पूछा। कुछ कह गया? नहीं। बत्ती नहीं जलाई? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। अच्छा रहने दो, बाद में बता दूंगा। अभी बताओ ना। बात यह है, मैं कहना चाहता था कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर चली जाओ। क्या? नहीं माने, मैं जरा सब कुछ ठीक तरह से जमा लूं, उसके बाद तुम्हें। तो जानते हो कि अब घर लौटने का मेरे लिए कोई रास्ता नहीं रहा। अगर तुम अपने नहीं थी माँ, मेरी बात को उल्टा मत समझो, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ होगी, बताओ तुम मैं क्या करूँ?
कुछ नहीं करना होगा। जाओ हाथ में दो जाओ, खाना नहीं खाना। कितनी उम्मीद लेकर मैं घर से निकला था। तो तुम बेकार नहीं हो, अच्छी खासी 250 रुपए। भैया कोशिश करके थक चुका हूँ, मरने के सिवा मेरे लिए और कोई चारा नहीं। मैं तुमसे झूठ बोला सीमा, मेरी नौकरी छूट गई। मैं जानती हूँ, अभी तुमने ये क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी नौकरी से प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा भार उठाने लगी हूँ। मुझे भार क्यों समझती हो? क्या मैं तुम्हारी किसी तरह भी मदद नहीं कर सकती हूँ? घबरा कर जान दे देना, तो पूरी हार मान लेगा, हार कायर माना करते हैं। फिर से कोशिश करनी होगी। सीमा,
बाद रतन को शायद नौकरी मिल ही गई हो, शायद ना भी मिली हो, लेकिन आप लोगों से एक प्रार्थना है, अगर रतन या उस जैसा और कोई कहीं आपको मिल जाए उसे नौकरी दिलाने की कोशिश जरूर कर दीजिएगा।